अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमबे करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन देखते हैं सबसे पहले। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से प्रजा पालना प्रोग्राम जुमेरात को रियासत भर में शुरू हो गया है। वज़रा, एमएलएस, अवामी नुमाइंदों और आला अहदेदारों ने जगह जगह ये प्रोग्राम शुरू किया। अहदेदारों की टीमें देहात और शहरी इलाकों में पहुंचकर लोगों से दरख्वास्तें वसूल किए। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा है कि पहले दिन 7,50,414 दरख्वास्तें मौसूल हुई है, जिनमें देही इलाकों से 2,90,711 दरख्वास्तें मौसूल हुई है और शहरी इलाकों से 4,60,703 लोगों ने दरख्वास्तें दी। जुमेरात की शाम प्रजा पालना पर ज़िले कलेक्टरों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की गई। अफसरान अवाम को दरख्वास्त फार्म मुफ्त दें और इंतबाह दिया कि अगर उन्हें फरोख्त किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताहम इस प्रोग्राम के पहले दिन कई जगहों पर अवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर दरख्वास्त फार्म की किल्लत देखी गई। इसके अलावा जेरोक्स सेंटर्स के मालिकों ने भी हर दरख्वास्त फार्म जेरोक्स के लिए 30-50 रुपये वसूल किए। तेलंगाना हुकूमत ने अवाम से जिन 6 जमानतों पर अमल करने का वादा किया था, इनमें कबल अज़ में 2 जमानतें, ख्वातीन को बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत और हर ख़ानदान को आरोग्यश्री स्कीम के तहत 10,00,000 रुपये का इलाज की सहूलत फराहम करने के वादे को पूरा कर दिया गया, जबकि बाकी जमानतों में हर खातून को महालक्ष्मी स्कीम के तहत 2,500 रुपये की महाना आमदनी, रेतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों को फी एकड़ सालाना 15,000 रुपये की माली इमदाद, इंद्रम्मा मकानात स्कीम के तहत 5,00,000 रुपये मकान की तामीर के लिए माली इमदाद, 200 यूनिट मुफ्त बरखिसार फराहम करने के लिए ग्रोह ज्योति स्कीम और मोमर अफराद के लिए 4,000 रुपये वजीफ़ा और माजूरीन के लिए 6,000 रुपये वजीफ़ा शामिल है। मस्कुरा स्कीम के लिए हुकूमत ने आज 4 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त फार्म जारी किया। फार्म के पहले सफ़े में ख़ानदान की तफसीलात पर करना होगा, जिसमें दरख्वास्त गुजार का मुकम्मल नाम, जिन्स, ज़ात या तबके का नाम जिसमें माइनॉरिटी का भी कालम शामिल हो गया है, तारीख़ पैदाइश, आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर पेशा शामिल है। इसके बाद दरगुजार के अरकान ख़ानदान की तफसीलात भी दर्ज करती होंगी, जिसमें दरख्वास्त गुजार के अरकान ख़ानदान की जिन्स, तारीख पैदाइश और आधार नंबर को दर्ज करना होगा। बाद अज़ान दरख्वास्त गुजार के मुकम्मल पते को दर्ज करना होगा, जिसमें मकान नंबर, स्ट्रीट नंबर, गांव, बल्दिया, वार्ड नंबर, मंडल का नाम, ज़िले का नाम शामिल रहेगा। दूसरे सफ़े पर महालक्ष्मी स्कीम का कालम दिया गया है। महालक्ष्मी स्कीम, इस स्कीम के तहत हर माह खातून को 2,500 रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके लिए दरख्वास्त गुजार को गैस कनेक्शन का नंबर, गैस सरबराह करने वाली कंपनी का नाम और हर साल इस्तेमाल होने वाली सिलेंडर्स की तादाद दर्ज करती होंगे। रेतु भरोसा स्कीम, इस स्कीम के तहत हर किसान को सालाना फी एकड़ 15,000 रुपये की इमदाद फराहम की जाएगी, जिसमें किसान और खानदार किसान के कालम तक करना होगा। इसके अलावा पट्टेदार पासबुक नंबर, काश्त की जाने वाली अराजी की तफसीलात, मई सर्वे नंबर वगैरह शामिल रहेगा। इंद्रमा मकानात स्कीम, इस स्कीम के तहत बेघर ख़ानदान मुस्तफीद हो सकते हैं, उन्हें मकान की तामीर के लिए 5,00,000 रुपये तक इमदाद फराहम की जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना के लिए शहीद होने वालों और तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लेने वालों को 250 मुरब्बा गज़ इमकाना अराजी भी इस स्कीम के तहत फराहम की जाएगी। इसके अलावा शहीद होने वाले शख्स का नाम और साल, FIR का नंबर, डेथ सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करना होगा, जबकि तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों को FIR नंबर और केस दर्ज होने वाले साल की तफसीलात पेश करनी होंगी। ग्रोह ज्योति स्कीम, इस स्कीम के तहत हर ख़ानदान को 200 यूनिट तक मुफ्त बर्खी फराहम की जाएगी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से हर माह इस्तेमाल होने वाली बर्खी यूनिट की तादाद को तक करना होगा, जिसमें 100, 200 और 2,000 यूनिट या इससे ज़ायद के कालम दिए गए हैं। दरख्वास्त गुजार को इसमें किसी एक को टिक करना होगा। इसके अलावा ही दरख्वास्त गुजार को मीटर कनेक्शन का नंबर भी दर्ज करना होगा। चौथा स्कीम है, इस स्कीम के तहत मोमरीन और दिगर अफराद को 4,000 रुपये और माजरीन को 6,000 रुपये का माह वजीफा दिया जाएगा। पहले से आसरा स्कीम के तहत वज़ायफ़ हासिल करने वालों को दोबारा इसके लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नए दरख्वास्त गुजार ही इसके लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। माजूरीन को रसीदरम सर्टिफिकेट का नंबर दर्ज करना होगा।
जबकि दिगर वज़ायफ़ हासिल करने वालों को बाजू दिए गए बॉक्स में टिक करना होगा। इसमें मुमर अफराद, बाफंदी, डायलिसिस के मरीज, बीड़ी वर्कर्स, तनहा खवातीन, बेवा, ताड़ी सिंदा, एड्स से मुतासर अफराद, मलेरिया के मुतासरीन और बेड़ी ठेकेदार शामिल है। दरख्वास्त फारम के चौथे और आखिरी सफ़े पर दरख्वास्त गुजार को सेल्फ डिक्लेरेशन पेश करना होगा, जिसमें दरख्वास्त गुजार के दस्तखत या अंगूठे के निशान, नाम और तारीख दर्ज करनी होगी। साथ में आधार कार्ड और सफ़ेद राशन कार्ड की नकल को भी मुंसलिक करना होगा। इसी तरह दरख्वास्त फारम के आखिरी हिस्से में सरकारी अहदेदार दरख्वास्त गुजार कबूल करने के बाद दरख्वास्त गुजार को एक रसीद हवाले करेंगे, जिसमें दरख्वास्त गुजार का नाम, दरख्वास्त फारम का नंबर, दरख्वास्त गुजार के वालिद और शोहर का नाम के अलावा वार्ड नंबर, मंडल, ज़िले का नाम और तारीख दर्ज रहेगी। इसके अलावा अहदेदारों की दस्तखत, अहदेदार का नाम, अहदेदार का अहदा सरकारी स्टाम्प लगा कर दिया जाएगा। दरख्वास्त गुजार को दी जाने वाली रसीद में तमाम स्कीमों का तذکرہ होगा, जिस स्कीम के लिए दरख्वास्त दी गई इसकी तस्दीक की जाएगी। दरख्वास्त गुजार को मशवरा दिया जाता है कि वो दरख्वास्त दाखिल करने के बाद अहदेदार की जानिब से दिए जाने वाली रसीद को हिफाजत से रखें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कमी की जा सकती है। ईंधन की कीमतों में 6-10 रुपये की कमी का इम्कान है। मालूम है कि इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी आई है, इसका फ़ायदा अब आवाम को दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के लिए मरकजी हुकूमत आयल कंपनियों से बातचीत कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में आवाम को राहत मिल सके। साइबर कमिश्नरेट के 2 इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया। आपसी झगड़े के मामले में शौहर को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए जदोकोब करने के इल्ज़ाम में कोकटपली हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर वेंकट को मुअत्तल कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। इसी तरह एक और मामले में फ़राइज़ की अंजामदेही में लापरवाही बरतने के इल्ज़ाम का सामना करने वाले एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्रीनवास को भी मुअत्तल कर दिया गया। तेलंगाना के सरसला ज़िले के वेमलावाड़ी टाउन में एक शख्स आरटीसी बस में सीट ना मिलने पर बतौर एहतजाज बस के नीचे लेट गया और बस को काफ़ी देर तक आगे बढ़ने नहीं दिया। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी इख्तदार में आने के बाद खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई, जिसके बाद बसों में खवातीन की काफ़ी तादाद सफ़र कर रही है और मर्दों को बस में बैठने के लिए सीट नहीं मिल रही है। आज इसी तरह के एक वाक़े में सीट ना मिलने पर एक शख्स बस के सामने लेट गया और एहतजाज किया। बाद खवातीन ने इसे अपनी सीट का पेशकश किया, जिसके बाद इस शख्स ने जांच खत्म कर दिया। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटर बोर्ड ने ऐलान किया है कि इम्तिहान अगले साल 28 फरवरी से 19 मार्च तक होंगे। इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहान 28 फरवरी से शुरू होंगे और इंटर सेकेंड ईयर के इम्तिहान 29 फरवरी से शुरू होंगे। अखलाकियात और इंसानी अकदार का इम्तिहान 17 फरवरी को लिया जाएगा और माहौलियाती इम्तिहान 19 फरवरी को लिया जाएगा। इम्तिहान सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होंगे। अगले साल 1 फरवरी से 15 फरवरी तक दूसरे साल के तलबा के लिए प्रैक्टिकल इम्तिहान मुनक़िद किए जाएंगे। इस साल पहली बार तलबा के लिए इंग्लिश प्रैक्टिकल का भी इनेकाद किया जाएगा। ये प्रैक्टिकल्स 16 फरवरी को होंगे। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।